हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई सेकंड जो पोएम है इल पेंसेरेसो, जिसकी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसके बारे में भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं, तो आज हम इस पोएम को करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये कंपेनियन पोएम है एलेग्रो की, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है अपने चैनल पर। आपने अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, दो पार्ट में मैंने डाली हुई है। और ये जो एल पेंसेरेसो है ये उसका सेम कंपेनियन है और कंट्रास्ट वर्जन है, मतलब कि जो बात एलेग्रो में कही गई है उसका ठीक उलट एल पेंसेरेसो में कही गई है। तो ये एक लैटिन शब्द है एल पेंसेरेसो, जिसका मतलब होता है एक दुखित व्यक्ति। और इसकी जो स्टार्टिंग की 10 लाइनें हैं, पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इस पोएम के बारे में। तो जो स्टार्टिंग की 10 लाइनें हैं ये सेम एलेग्रो की तरीके से एक रैमिंग पैटर्न पे लिखी गई हैं, जिसका रैमिंग पैटर्न है ए बी बी ए सी डी डी सी सी ई। ये रैमिंग पैटर्न है ये 10 लाइनें। उसके बाद जो 11th लाइन से स्टार्ट है पोएम, वहाँ से कपलेट फॉर्म में पूरी की पूरी पोएम लिखी हुई है। तो ये पोएम एल पेंसेरेसो 1645 और 46 के आसपास लिखी गई है। और इस पोएम में बेसिकली जो मिर्थ है, जो आनंद की देवी है, उसे भगाने की बात की गई है, और मेलंकली जो कि दुख की देवी है उसे बुलाने की बात की गई है, कि पोएट किस तरीके से मेलंकली को बुलाता है और मिर्थ को भगाता है, जबकि एलेग्रो में मिर्थ को बुलाता है और मेलंकली को भगाता है। तो पेंसेरेसो से एलेग्रो में कंफ्यूज ना हो, आप दोनों वीडियोस को अच्छी तरीके से देखें। तो इसमें जो बात की गई है इसके बारे में थोड़ी बेसिक बात अगर मैं बताऊं, तो जो कैरेक्टर है इस पोएम का वो पहले फिलोसफी से स्टार्ट होता है और इसमें एलेग्री को लेता है, फिर ट्रेजेडी की तरफ जा करके, फिर क्लासिकल हाइम के रूप में, फाइनली क्रिश्चियन हाइम के रूप में ख़त्म हो जाता है। मतलब फिलॉसफी से स्टार्ट होता है, बीच में एलेग्री है, ट्रेजेडी है, क्लासिकल हाइम है, और फाइनली क्रिश्चियन हाइम पे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। और जो ट्रेडिशनल फॉर्म है वो यूज़ किया हुआ है, पोएटिक ऐसे एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको। और इसमें जो मेलंकली है उसके जो पेरेंट्स हैं, जो एलेग्रो में मिर्थ थी उसके पेरेंट्स से अलग हैं, तो ये दो चीज़ें इसमें मेन हैं। उसके बाद मेलंकली हेवन की जो म्यूज़ है यूरेनिया, गॉडेस ऑफ इंस्पायरिंग एपिक, उससे रिलेटेड है, और सैटर्न से रिलेटेड है। उसके बाद इसमें जो आइसोलेशन है उसे आइडियल नहीं बताया गया है, बल्कि इस बात पे एम्फेसाइज किया गया है कि जो आइसोलेशन में व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है, जो अंडरस्टैंडिंग बनाता है, वो कैसी होती है। और वो एलेग्रो में ये चीज़ नहीं बताई गई है, तो पेंसेरेसो में यही चीज़ बताई गई कि क्या एक्सपीरियंस व्यक्ति करता है और किस तरीके की विजन व्यक्ति को आती है जब वह मेलंकली की सिचुएशन में होता है। तो अब टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हेंस वेन डिलजिंग जॉयज द ब्रूड ऑफ फॉली विदाउट फॉर द ब्रेड। इन दो लाइनों में कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो मोहित कर देने वाला आनंद है वह व्यर्थ होता है। वेन मीन्स व्यर्थ, डिलजिंग मीन्स मोहित करने वाला, जॉयज मीन्स आनंद। द ब्रूड ऑफ फॉली विदाउट फॉर द ब्रेड का मतलब बिना नस्ल के मूर्खों को जन्म देती है। ये जो तुम्हारा व्यर्थ का आनंद है ये बिना नस्ल के मूर्खों को जन्म देती है। हाउ लिटिल यू बैस्टर्ड, यह बस यही एक छोटे मोटे काम है जिसमें तुम हेल्प कर सकती हो। और फिल द फिक्स्ड माइंड विद ऑल योर टॉयज, या तो एक व्यक्ति को फिक्स्ड विचारों वाला बना देती हो। ड्वेल इन सम आइडल ब्रेन एंड फैंसीज फाउंड विद गॉडी शेप पोजेज, या तो उन आइडल ब्रेन में रहती हो जो दिखावा या चमक वाली होती हैं, मतलब दिखावा करने वाली या चमक धमक वाली होती हैं, या फिर जो मोटी बुद्धि वाले असंख्य लोग हैं वहाँ पे रहती हो। एज थिक एंड नंबरलेस
का मतलब है कि जो मोटी बुद्धि वाले असंख्य लोग। एज द गॉडी मोड्स दैट पीपल द सन बीम्स, यहाँ पे जो गे मोड्स है उसका मतलब होता है गे मोड्स यानी प्रसन्न करने वाला, वो लोग जो छोटे मोटे हॉवरिंग ड्रीम्स यानी खोखला सपना देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं, जो दिन के उजाले में तो उस खोखला सपना देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं, या तो तुम उनके बीच में हो। द फिकल पेंशनर्स ऑफ मॉर्फियस ट्रेन, जो मॉर्फियस के द्वारा दिखाए हुए कुछ चंचल अंश मात्र ही हैं। मॉर्फियस गॉडेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रीम्स होता है, मतलब कि जो ड्रीम्स का जो गॉड है वो मॉर्फियस है। तो कह रहे हैं कि जो मॉर्फियस के द्वारा दिखाया जाता है छोटे छोटे चंचल अंश, तुम उन अंश को देखकर खुश हो जाने वाले लोगों के बीच में रहती हो। तो टोटल ये मिर्थ के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो मिर्थ है इसे ये कह रहे हैं कि तुम इस तरीके की हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, और इसे ये यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं। एवल 11th लाइन पे चलते हैं जहाँ से हमारी मेन पोएम स्टार्ट होती है। वैसे जो स्टार्टिंग की ये 10 लाइनें अभी हमने डिस्कस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं। तो 11th लाइन है, बट हेल दाउ गॉडेस सेक एंड होली, हेल डिविनेस्ट मेलंकली। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। किसे कह रहे हैं? मेलंकली को कह रहे हैं कि मेलंकली तुम जो हेवन की सबसे ज़्यादा डिविनेस्ट मेलंकली तुम ही हो, और तुम इतनी होली हो, पवित्र हो, बुद्धिमान हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। हुज सेंटली विसेज इज टू ब्राइट, विसेज का मतलब होता है, सेंटली विसेज मतलब संतों वाला चेहरा, फेस। तो कह रहे हैं तुम्हारा जो फेस है संतों वाला वो इतना ब्राइट है, टू हिट द सेंस ऑफ ह्यूमन साइट, कि वो व्यक्ति के दृष्टिकोण को यानी मनुष्य के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। एंड देयरफॉर टू आवर वीकर व्यू, और बाद में यही चमक जो है हमारे वीकर व्यू के लिए उत्तरदायी होती है, मतलब हमारी आँखों को कमज़ोर कर देती है। आर लेड विद ब्लैक स्टेड विजडम ह्यू, और कह रहे हैं कि तुम्हारे जो कपड़े हैं वो रंग लगभग काला रंग लिए हुए बुद्धिमानी का ही प्रतीक है। ब्लैक बट सच एज इन स्टीम, लेकिन ये जो तुम्हारा कालापन है वह बहुत ही खूबसूरत है, जो तुम्हारे कपड़ों का कालापन है, जो तुम्हारा कालापन है, ये बहुत ही खूबसूरत है। प्रिंस मेमनंस सिस्टर्स माइट बी सीम, और दैट स्टार्ड एथियोप क्वीन दैट स्ट्रोक, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राजा की बहन हमीरा थी उसके जैसा है, या मतलब तुम्हारा जो कालापन है, वो जो खूबसूरती है इस कालेपन की, वो मेमनस सिस्टर का मतलब है उस राजा की, जो प्रिंस राजा था वो उसकी बहन हमीरा के जैसे ही हैं, या फिर जो स्टार्ड एथियोप क्वीन है जो कि इथियोपिया की रानी थी उसके जैसा है। टू सेट हर ब्यूटीज प्रेज अबव, जिसकी ब्यूटी से जल करके उसे जो जल परियाँ थी उन्होंने ही उसको खूबसूरती दी थी, किसको? इथियोपिया क्वीन को। तो कह रहे हैं उन्हें जल परियों ने खूबसूरती दी थी, और बाद में उसकी खूबसूरती से यही जल परियाँ जलन के मारे उसको स्टार के रूप में आसमान में भेज देती हैं, स्टार बना के भेज देती हैं। तो कह रहे हैं द सी निम्स एंड देयर पावर्स ऑफेंडेड, येट द आर्ट हायर फॉर डिसेंडेड, उसी से जलन के कारण उसे स्टार में बदल दिया जाता है। द ब्राइट हेयर्ड वेस्टा लॉन्ग ऑफ योर टू सॉलिटरी सैटर्न बॉर, और कहते हैं जो वेस्टा तुम्हारे माता हैं और सैटर्न जो तुम्हारे पिता हैं, तुम अपनी माता के जैसे ही बहुत लंबे लंबे बालों वाली हो। वेस्टा बड़ी खूबसूरत थी, खूबसूरती की गॉडेस थी, तो उनको बोल रहे हैं। और उसके बाद कह रही हैं पोएट, हिज डॉटर शी इन सैटर्न रेन सच मिक्सचर वॉज नॉट हेल्ड अ स्टेन। उसके बाद कह रहे हैं कि जो उनकी जो डॉटर है जो कि तुम हो, मेलंकली को बोल रहे हैं कि उनके ही सानिध्य में रहकर तुम भी कलंक रहित हो, बेदाग हो, क्योंकि जो वेस्टा थी, जो सैटर्न थे, इन लोगों को गॉड के हेवन में बिल्कुल भी दाग रहित या कलंक रहित या बहुत ही पवित्र और
इस तरीके का माना जाता था। तो कह रहे हैं कि उन्हीं के जैसे उनके सानिध्य में रह के तुम भी एकदम से बेदाग और कलंक रहित हो। तो कुल मिलाकर वो उनको अनस्टेन बोल रहे हैं। ऑफ्ट इन ग्लिमरिंग बॉरेज एंड ग्लेड्स ही मेट हर एंड सीक्रेट शेड। तो कह रहे हैं कि जो बॉर्ड का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और झाड़ियाँ होती हैं। तो कह रहे हैं वो जो पेड़ पौधे और झाड़ियों वाली जगह थी वहाँ पे तुम्हारे पिता सैटर्न और माता वेस्टा मिला करते थे। जो सेक्रेड शेड था पेड़ों के झाड़ियों के बीच में मिलते थे। और कह रहे हैं कि ऑफ वुडी आइडल्स इन मोस्ट ग्रोव वाइल येट देयर वॉज नो फियर ऑफ जोव। तो कह रहे हैं कि जो उस जगह पे मिला करते थे जहाँ पे जो कि किस आइडियल्स आइडिय यहाँ पे आइडल्स इन मोस्ट ग्रोव का मतलब है कि जो सैटर्न का वो हुआ करता था कैपिटल हुआ करता था वहाँ पे ये दोनों लोग मिलते थे। और वहाँ पे जोव यानी कि जुपिटर का भी कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। कम पेंसिव नन डिवोट एंड प्योर सोबर स्टीडफास्ट एंड डिमोर ऑल इन अ रोब ऑफ डार्केस्ट ग्रीन फ्लावरिंग विथ मजेस्टिक स्टेन। इन चार लाइनों में जो पोएट है उन्होंने मेलंकली को पर्सोनिफाइड किया है, उनके गुणों को का बखान किया है, उनको बारे में बताया है कि किस तरीके से पेंसिव का मतलब होता है ध्यानमग्न, कि तुम एक ध्यानमग्न नन की तरह से आती हो, और डिवोट यानी कि बहुत ही समर्पित हो, शुद्ध हो और बहुत ही सौम्य हो, और स्टीडफास्ट मतलब बहुत ही दृढ़ हो, और डिमोर का मतलब संकोची भी हो। तो कुल मिलाकर उनके ये गुणों का बखान करें कि क्या क्या गुण हैं मेलंकली के अंदर। तो वह ध्यानमग्न होती हैं, समर्पित हैं, शुद्ध हैं, सौम्य हैं, दृढ़ हैं, संकोची हैं। ऑल इन अ रोब ऑफ डार्केस्ट ग्रेन का मतलब है तुम इनकी धनी हो, यानी यह सभी सिर्फ तुम्हें ही मिले हुए हैं, तुम्हारे ही गुण हैं। फ्लावरिंग विद मजेस्टिक ट्रेन का मतलब है तुम शाही अंदाज में जब आती हो तो अपने मतलब शाही अंदाज में जब बहती हुई तुम आती हो, फ्लावरिंग का मतलब है बहना। एंड सेवल स्टोन ऑफ साइप्रस लॉन एंड ओवर दाई डिसेंट शोल्डर्स ड्रॉन। तो कह रहे हैं कि जब तुम अपने शाही अंदाज में आती हो तो तुम्हारा जो ब्लैक लिनन का स्टोल है, साइप्रस लॉन का मतलब होता है ब्लैक लीलेन का स्टोन और सेबल का मतलब है ब्लैक। तो कह रहे हैं कि जो ये तुम्हारा ब्लैक लीलेन का स्टॉल है वह तुम्हारे जो प्रतिष्ठित कंधे हैं, डिसेंट का मतलब सभ्य शोल्डर से ड्रॉन हो जाता है यानी कि नीचे गिर जाता है, गिरता हुआ आता है, वह तुम्हारा शाही अंदाज है। वो कहा जाता है ना जब क्वीन चलती हैं तो उनके पीछे उनका लीलेन का क्लॉथ जो है पीछे की तरफ ऐसे ज़मीन को घसीटते हुए चलता है, तो वो इस तरीके से बता रहे हैं कि ऐसे तुम्हारे जो स्टॉल है वो घसीटता हुआ चलता है। उसके बाद कह रहे हैं कम बट कीप दाई वांटेड स्टेट विद इवेंट स्टेप एंड म्यूजिंग गेट। इन दो लाइनों में कहते हैं कि तुम अपने ही सभ्य स्टाइल में आना, जो तुम्हारा अभ्यासगत स्टाइल है उसी में आना, और सोच में इस तरीके से आना जैसे तुम सोच में खोई धीमे धीमे चलती आती हो, और ऐसा लगता है जैसे एंड लुक्स कॉमर्शियल विद द स्काईज दाई रैप्ड सोल सिटिंग इन दाइन आइज। ऐसे लगता है कि तुम बादलों से आसमान से बातें कर रही हो या मोल भाव कर रही हो, और तुम्हारी जो आँखें हैं वह बताती हैं कि किस प्रकार तुम्हारी आत्मा विचारों में मग्न है। दे आर हेल्ड इन होली पैशन स्टिल फॉरगेट दाई सेल्फ टू मार्बल टिल। उसके बाद कहते हैं कि अभी भी वही पवित्र जो जज्बा है, तुम इतनी खो गई हो कि ध्यान में खोकर मार्बल बन गई हो, इस तरीके से आती हो। विद द सैड लेडन डाउनवर्ड कास्ट दाउ फिक्स देम ऑन द अर्थ एज फास्ट। तुम्हारी आंखें नीचे इस प्रकार झुकी हुई होती हैं जैसे कि धरती में ही गड़ गई हो या फिक्स हो गई हो। एंड जॉइन विद द काम प्लीज एंड क्वाइट स्पेयर्स फास्ट दैट ऑफ्ट विद गॉड्स डॉट डाइट। अब कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे साथी हैं काम पीस क्वाइट, उन सबको भी साथ में लेके आना, अपने साथियों को भी साथ में लेके आना जो कि गॉड के साथ डाइट पे हैं। एंड हियर्स द म्यूजिस इन अ रिंग आई राउंड अबाउट जॉव्स अल्टार सिंग।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जो जुपिटर है, जो जोव्स हैं, उनके आसपास रिंग बना करके जो परियां गाना गा रही हैं, उनके गाना को जो ये लोग तुम्हारे साथी लोग सुन रहे हैं उनको साथ लेके आना। एंड एडेड टू दीज रिटायर लीजर दैट इन ट्रिम गार्डन टेक हिज प्लीजर, और उन्हें फुर्सत के साथ लाना जो ट्रिम गार्डन में आकर आनंद ले सकें। और बट फर्स्ट चीफेस्ट विद दी ब्रिंग हिम दैट योन सोल सोर्स ऑन गोल्डन विंग्स। तो कह रहे हैं लेकिन सबसे पहले सबसे कम कीमत वाले को लाना जिसकी वैल्यू सबसे कम हो, और जो गोल्डन विंग के साथ अपने गोल्डन पंखों के साथ रथ को गाइड करता है, उस जिसमें सिंहासन लगा हुआ है शिरभ का, जो कि शिरभ कौन है, तो यह ध्यान या चिंता का गॉड है, मतलब चिंतन का गॉड है, चिंता नहीं चिंतन, ध्यान का गॉड है। तो गॉड ऑफ कंटेम्पलेशन जो है शिरभ, उसकी जो थ्रोन विल्ड रथ है उसको खींचता हुआ जो व्यक्ति है जो इसकी वैल्यू बहुत कम है उसके साथ तुम आना। एंड द म्यूट साइलेंस हीज अलोंग, तो कहने का मतलब है कि जो शिरभ है उसका जो कंटेम्पलेशन का जो गॉड है, जो चिंतन का गॉड है, ध्यान का गॉड है, उसके साथ जो साइलेंस है वो भी साथ आ जाएगी, उसको भी साथ में लेके आना क्योंकि उसी के साथ साइलेंस भी होती है। तो बेसिकली यहाँ तक आज हमने किया, अब बाकी का पार्ट हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कोई भी सजेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस नहीं होने पाएगा, और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।